नमस्कार बच्चों, मैं हरीश सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट, ये भी ट्राई दीज हैं और हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने कुछ 2 नंबर लिए हैं, फर्स्ट और ये सेकेंड, हमें बताने परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। आइए सबसे पहले इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बताने के लिए अभी हमने पिछली यूनिट में किया, तो उसमें जो प्राइम फैक्टर होते हैं उसमें हम 2 प्राइम फैक्टर को ग्रुप में रखते हैं, 2 इक्वल प्राइम फैक्टर होते हैं उनको उनका ग्रुप बनाते हैं। अगर वो परफेक्ट ग्रुप बन जाता है, कोई भी हमारा फैक्टर लेफ्ट नहीं होता यानी बचता नहीं है, ठीक है बच्चों, तो वो परफेक्ट क्यूब स्क्वायर होता है। लेकिन क्यूब के अंदर हमें क्या करना है, क्यूब के अंदर हमें 3 फैक्टर जो प्राइम फैक्टर होते हैं उसका ट्रिपल्स का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, उस ट्रिपल्स का ग्रुप बनाएंगे। अगर कोई भी ग्रुप बनने के बाद कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं बचता है तो इसका मतलब परफेक्ट क्यूब है, अगर बचता है तो इसका मतलब दैट मीन्स दैट नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यूब। आइए हम करके देखते हैं। देखिए 400 के बच्चों आपको प्राइम नंबर से करने होते हैं। प्राइम नंबर का मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपको या तो करना होगा 2 से या 3 से या 5 से, 7 से, 11 से, ऐसे 13 से प्राइम नंबर, ठीक है, जो किसी की भी टेबल्स में नहीं आते, इनको छोड़कर और किसी की अगर आप टेबल काउंट करें तो उस टेबल में ये नहीं आएंगे, ठीक है। 13 किसी भी टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ 13 को छोड़ना है। इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। आइए हम करते हैं 2 से, ठीक है, और 2 से वो नंबर डिवाइड हो जाते हैं जिनके लास्ट में इवन नंबर आता हो, इवन नंबर, ठीक है, ये 1 पहले इस पर, तो 2 से करते हैं 2 2 जा 4 0 0, ठीक है बच्चों, 2 से 2 1 जा 2 0 0, 2 से 2 5 जा 10 0, फिर 2 से 2 2 जा 4, यहाँ 4 देखिए 5 था, ये 5 था, इसमें से 4 माइनस हो गया तो 1 बच गया और 0 ये हो गई यानी 10 हो गया, 2 5 जा 10। आइए 5 से करेंगे अब इसको, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हम इसके निकालते हैं, इसके निकाले 400 के प्राइम फैक्टर निकाले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखते हैं। अब देखिए ये इक्वल फैक्टर है, प्राइम फैक्टर इक्वल है, तो हमने इसका तो बन गया ये ग्रुप बन गया, अब इसका ग्रुप नहीं बन रहा है, ये 1 2 है 2 5 है, तो इसको हम ग्रुप में नहीं रख सकते हैं इस वाले को, इसका तो एक ग्रुप बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, लिख सकते हैं 400 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है बच्चों, वो ग्रुप बनना चाहिए, जैसे ये फर्स्ट का बनाना ग्रुप ऐसे ही बनने चाहिए, इक्वल नंबर में सेम नंबर का ग्रुप बनना चाहिए। आप देखिए 2 लेफ्ट हो गया और यहाँ 5 2, अगर 1 5 4 होता तो इसका भी बन जाता, फिर 2 और 2 होने थे तब बन जाता, तो अब ये नहीं बनना, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। आइए आगे हम चलते हैं, ये 3375, आइए सबसे पहले इसको 3 से देखते हैं बच्चों, 3 से निकलता है क्या, और 3 के लिए बच्चों आपको करना क्या होता है, उन सब के डिजिट को प्लस करना होता है, अगर वो उसका सम, ठीक है, 3 के टेबल्स में आता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं 3 से हो जाता है क्या, 3 और 3 6 6 और 7 कितना होता है 13 13 और 5 18 18 आता है, 18 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए करते हैं 3 1 जा 3 3 1 जा 3, और यहाँ 7 तो आता नहीं इससे कम, 3 2 जा 6, फिर यहाँ पे 1 बच गया, 5 3 5 जा 15, ठीक है बच्चों, इस प्रकार 3 से, अब देखते हैं 3 से हो जाएगा क्या, 5 और 2 7 और 8 और 9, हाँ जा 3 से हो जाएगा, 9 3 के टेबल में आता तो 3 3 जा 9, अब ये 11 था, 9 बच्चों इसमें से माइनस कर दे तो क्या बचा है 2 और 2 इधर हो गया तो 22 हो गया, 22 से कम आता है 21, तो 3 7 जा 21, अब 21 माइनस कर दीजिए तो 1 बच गया, 5 ही हो गया, 15 हो गया, तो 3 5 जा 15, इस प्रकार, ठीक है बच्चों, फिर 3 से करके देखते हैं, हाँ जी 3 से हो जाएगा क्योंकि इनका सम 3 के टेबल्स में आता है 15, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15,
ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब ये 3 से होगा क्या, देखे प्लस करके 5 और 2 7 और 1 8, 8 तो 3 टेबल में नहीं आता इसलिए 3 से नहीं होगा, अब ये होगा 5 से ठीक है। 5 2 जा 10, ठीक है 12 था ना, 10 माइनस हो गया तो 2 बच गया और 5 ये आ गया 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, 5 से 5 1 जा 5, अब देखिए ये आ गया। तो इसके मैं इधर लिख लेता हूँ, तो अब इसको देखिए इसके बच्चों मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है बच्चों इसके इधर लिख लेते हैं, इधर भी जगह कम है इधर ही लिख लेता हूँ। 3375 के अगर हमने निकाले तो देखिए 1 2 3 1 2 3, 3 × 3 × 3, 5 × 5 × 5, देखिए ये ग्रुप बन गया सेम नंबर का और सेम फैक्टर का, ये बन गया सेम फैक्टर का, दोनों प्राइम फैक्टर है, इनका ग्रुप बन गया, कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं है, कोई भी नंबर नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है लिख देते हैं 3375 इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है बच्चों। ये तो ये थे दो क्वेश्चन बच्चों, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चे को ज़रूर सिखाना, ठीक है बच्चों, चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।